आइए खबर शामिल करते हैं रोजडील से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरनेशनल ओवरसीज एडवाइजर बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा है कि मुसल्ला बलवा नाकाम हो तो बगावत और कामयाब हो तो इंकलाब कहलाता है। इमरान खान ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, अब इसे इसके मुजम्मरात का सामना है। कोई भी रियासत सियासत के लिए मुसल्ला जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। अमरीका और बरतानिया, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, शाम, इराक और फलस्तीन में जारी मुसल्ला जद्दोजहद करने वाले ग्रुप्स को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। अमल न करने पर तादीबी कार्रवाई और सख्त सजाएं हैं। पाकिस्तान भी इंसानी हकूक की पामाली किए बगैर बलवाइयों से नबुद आजमा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अमन, भाईचारे और जमहूरियत को अमूमन और रूल ऑफ लॉ को खसूसन सपोर्ट करे। अपने सियासी मकासद के लिए कभी भी रियासती कानून को इस हद तक ना लेके जाएं कि आपकी बचत मुश्किल हो जाए। नई पार्टी का और उसमें तरीके इंसाफ के डाई हार्ड जो मिनिस्टर्स जो चार चार साल इकतदार के मज़े लूट चुके हैं, वो मुश्किल वक्त में ऐसे भागे हैं जिससे पता चलता है कि इमरान खान के पास ना कोई नज़रिया था, ना टीम थी। वो सारे जो बोरोड लोग थे, अब वो अपने न्यूक्लियस की तरफ वापस लौट गए हैं। देखना बस ये है कि अगर ये कामयाब हो जाती उनकी कार्रवाई तो शायद इनकलाब की वो खाहां थे, लेकिन अगर नाकाम हो जाए तो ये बगावत ही शुमार होती है। पूरी दुनिया में जिस तरह जग हसाई के लिए ये ह्यूमन राइट सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी लाजवाल मोहब्बत है, उसी के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वे एक आने वाला वक्त में इलेक्शन होने वाला है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को इस्तवार करें, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को इस्तकाम बख्शें, किसी शख्सियत परस्ती में मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। और यही मैसेज ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए भी है कि आप यहाँ रह के यहाँ के कानून की पाबंदी करें और यहाँ बैठ के पाकिस्तान में किसी किस्म के वायलेंस में परपिट्रेट ना करें, क्योंकि जब आप रेड हेयरिंग बता दी गई है कि इससे आगे जो है वो कानून हरकत में आएगा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, इसके लिए उन्हें विजिलेंट रहना पड़ेगा। और अब देख रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और मियां नवाज़ साहब कब जा रहे हैं पाकिस्तान? मियां नवाज़ साहब जैसे इलेक्शन का ऐलान होगा तो वो अपना रवानगी का सफ़र जो है उसके ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे। इलेक्शन वक़्त पे हो तो मुल्क के लिए अच्छा है और रियासत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन शफाफियत के ज़रिए अवामी मैंडेट और अवाम की मंशा और अवाम की आरा के बारे में आपको बताता है। और ये एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस सियासत में बहुत ज़रूरी है कि आप अवाम के पास जाएं, मैंडेट लें और वापस पार्लियामान में आएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुल्क में जो इस वक्त बगाड़ पैदा हुआ है और नुक्से अमन का जो खतरा है उस मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।